नमस्कार, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन लोअर दिबांग वैली द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए फर्स्ट एवर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट फेस्ट 2024 का जो कि 4 सितंबर में शुरू हुआ था, आज 18 अगस्त में ऑफिशियली कंक्लूड हो रहा है, जहां चीफ गेस्ट के तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर श्री पासांग दोर्जी सोना आए हुए हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। सर, अभी आप अरुणाचल सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर है, तो अभी यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा है डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जो खेल ऑर्गेनाइज किया था, तो करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। देखिए, एक बहुत पुराना कहावत है, बोलता ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, है ना। तो स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैरिकुलम, तो हमारे यहाँ पे हर स्कूल में आपको इसलिए एक हम लोग यही बोलता है कि स्कूल के साथ आप क्यों देखता है कि एक ग्राउंड होता ही है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को आप पढ़ाई के साथ साथ उसको फिजिकली भी फिट होना है, बाकी जो हुनर भी है उसके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ स्वामी विवेकानंद ने बोला ना कि आप यू कैन लर्न मोर बाय प्लेइंग फुटबॉल देन रीडिंग गीता, है ना। तो ये चीज है, तो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारा काफी ऐसा प्रोग्राम्स है जो जहाँ पे बच्चों का स्पोर्ट्स वगैरह के लिए हम लोग सहायता करते हैं इन द कैरिकुलम ऑल्सो, तो वो तो अभी और उसको हम लोग किस तरीके से और भी इफेक्टिव वे में करेंगे हम लोग सोचेंगे बात करेंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी जो है 15 दिन से लगातार मेहनत कर रहा है कड़ी धूप में, और खेल जो है सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बोल के नहीं है, जो ट्रैक एंड इवन फील्ड जो भी होता है वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप कुछ एंकरेज? नहीं, मैं तो वही बोला हूँ कि मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने इस तरीके का जो इनिशिएटिव लिया, बिकॉज हमारे अरुणाचल में क्या होता है कि अगर स्पोर्ट्स बोलेंगे तो फिर वही है फुटबॉल या तो वॉलीबॉल और या तो कम्बैट में बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में भी हमको ध्यान देना है। बच्चे का हुनर कहाँ छुपा किसको पता है, एंड अंटिल एंड अनलेस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो हम जैसे अभी आपको जो नेशनल लेवल का एक हमारा ही डिस्ट्रिक्ट का लड़की है, आपने सुना होगा ज्योति माने करके, जो वो भी तो गांव का लड़की है, तो लेकिन उसको एक मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने के लिए, आज नेशनल लेवल में गोल्ड लेके आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट में तो शी इज अनबीटेबल। तो ये मौका हुनर ढूंढने का कहीं भी हो सकता है, इसलिए इस तरीके का जो आयोजन करता है उसी के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे टैलेंट छुपा हुआ है, तो इट्स मोर ऑफ ए टैलेंट सर्च। तो इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों के लिए ऐसा ऑर्गेनाइज किया, लेकिन एक हिदायत है, थोड़ा ठंडा मौसम में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो इतना में बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल भी कम हो जाएगा, है ना। तो कोई बाहर से आके देखेगा तो अरे इनका इतना टैलेंट है, एक्चुअली टैलेंट इनसे ज़्यादा होगा, थोड़ा वेदर ठीक होगा तो उसका एनर्जी लेवल भी ज़्यादा रहता है ना, हम लोग खरा खरा गिर के मरने वाला, बच्चों का क्या हाल हुआ होगा यहाँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि इसको नेक्स्ट टाइम रीशेड्यूल करके ड्यूरिंग द विंटर टाइम व्हेन द वेदर इज गुड किड्स कैन गिव इन देयर बेस्ट, है ना, तो उसमें करें तो और भी अच्छा होगा मेरे ख्याल में। तो ये अच्छा पहल है एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव, आई मस्ट अप्रिशिएट द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट या ओलंपिक एसोसिएशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्पेशली हमारे मिनिस्टर सर, एजुकेशन मिनिस्टर सर, जिन्होंने इतने टाइट शेड्यूल के बाद भी हमें मौका दिया कि हम क्लोजिंग सेरेमनी उनके साथ कर सकें, और मैं दोनों एमएलए को का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जब हमने अप्रोच किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, उन्होंने ओपन आर्म से हमें हेल्प करने का आश्वासन दिया, और इसी के बलबूते हम आज इतना अच्छा एक प्रोग्राम कर सके हैं जिसमें 28 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार करते हुए भी इतने सारे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया। मैं उनके सारे हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने इतने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। उनके पीटी टीचर्स, आपने कुछ कुछ वीडियोस देखा होगा जहाँ उनका एनर्जी बच्चों से भी ज़्यादा है, वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बाहर से उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कौन जीतेगा हारेगा। तो और बिना स्पॉन्सर्स का कुछ भी इवेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम इस मंच के सारे उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटा बड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन दिया उसका हमको भरपूर मदद मिला, जिसके वजह से हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाए हैं। और हमारा मेन उद्देश्य था अंडर 14 करने का कि ये बच्चे आगे भी जाके खेल सकेंगे, आगे अपना करियर बना सकेंगे, क्योंकि आज का दिन में स्पोर्ट्स में बहुत ही स्कोप है, पढ़ाई में ही नहीं स्पोर्ट्स में भी उतना ही स्कोप है जितना एक एथलेटिक इवेंट में भी, जैसे कि आप नीरज चोपड़ा को ले लीजिए, आज वो
वन ऑफ द माने ब्रांड नेम है, वो क्रिकेटर से भी बड़ा ब्रांड नेम हो गया है नीरज चोपड़ा, वो एक जेवलिन थ्रो के द्वारा ही उनका ये नाम हुआ है। तो इसी तरह मैं, हमारा ये उद्देश्य था कि गवर्नमेंट स्कूल भी इसमें पीछे ना रहे, इसलिए हमने सारा सुविधा देने का कोशिश किया। अगर कहीं कुछ कमी रह गया होगा तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमने जितना हो सके अपने कैपेसिटी में हम लोग ने आपको मदद करने का कोशिश किया है, सहारा देने का कोशिश किया है। और इन 20 स्कूल्स में मोर देन 20 स्कूल्स तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही है, तो ये और टीचर्स का एंथुसिएज्म देख के हम बहुत खुश हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये 28 जो होगा 40-50 हो सकता है, तो बिना हेल्प पर नहीं होगा। तो हम दोनों एमएलए को दिल से शुक्रिया बोलता है कि उन्होंने मदद किया तो हम इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके। तो हमारा उद्देश्य जैसे कि हम मेरा ये था कि हमारा उद्देश्य था कि हम बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके, क्योंकि ये सब गेम्स जो ट्रैक इवेंट्स होता है वो कहीं नहीं होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, लेकिन ये ट्रैक इवेंट्स नहीं होता है। बहुत सारा जो बच्चों में हिडन टैलेंट है जो कि आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये सोच के हमने इस बार 13 इवेंट्स का को ऑर्गेनाइज किया है। और आगे जैसे हम आगे जाएंगे नंबर्स हम लोग बढ़ाएंगे, तो ये बिना सपोर्ट का नहीं होगा, स्कूल से भी सपोर्ट चाहिए हमें, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से भी सपोर्ट चाहिए, डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने ओलंपिक एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स को भी जो मेरे टीम में हैं उन्हें भी बहुत थैंक यू देता हूँ, दिन रात बारिश में धूप में मैंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने धूप ने देखा बारिश ने देखा, उन्होंने दिल और जान से इसमें साथ दिया है। स्पेशली हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अरुण मेघा को मैं बहुत ही जिंकू लिंगी जीवू लिंगी उसके बाद ये इन तीनों को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना खून पसीना दिया इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए। थैंक यू। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it can. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.